चली नहीं अभी तक। क्या नाम आपका? शहजाद खान। बीती रात बड़वानी जिले के सेंधवा विकास खंड के ग्राम दौली के सरकारी अस्पताल में अचानक एक साथ कई उल्टी दस्त से पीड़ित मरीजों का मामला सामने आया। बीएमओ सेंधवा को सूचना मिलते ही आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग का अमला ग्राम धौली पहुंचा, जहां नजदीक के छोटे से ग्रामीण इलाके पंजारिया से पीड़ित अस्पताल पहुंच रहे थे। लगभग 28 मरीज उल्टी दस्त की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचे। मरीजों का प्राथमिक प्रशिक्षण करने के बाद उनसे कुछ मरीजों को छुट्टी दे दी गई, वहीं लगभग 10 मरीज भर्ती कर लिए गए, जिन्हें वहां से सेंधवा सिविल अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां उनका रात भर और दिन भर उपचार होने के बाद उन्हें शाम को अपने घर के लिए छुट्टी दे दी गई। सभी मरीजों में एक समान समस्या देखी गई। बीएमओ सेंधवा के मुताबिक उल्टी दस्त की शिकायत का मूल कारण उन लोगों के पीने के पानी के लिए उपलब्ध पेयजल की पूर्ति करने वाले कुएं में पानी के संक्रमण का हो सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ग्राम पंजानिया में दोनों कुओं की जांच के लिए पानी के सैंपल ले लिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग का अमला वहां पर फिलहाल तैनात कर दिया गया है। स्थिति पूर्ण नियंत्रण में है, अब कोई भी नए मरीज नहीं है। पीने के पानी की वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। अगर यह सब समय पर नहीं होता तो स्थिति काफ़ी भयावह हो सकती थी। बड़वानी से अतुल के साथ सुरेंद्र की रिपोर्ट। धौली में कुछ मरीजों के एक साथ भर्ती होने का मामला था, क्या इस संबंध में? जैसे हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धौली से वहाँ के फार्मासिस्ट के द्वारा शाम को मुझे 6 बजे सूचना दी गई कि वहाँ पर पास के एक ग्राम है पांजिरी, वहाँ से करीब 8 पेशेंट आए हैं जो उल्टी दस्त से पीड़ित हैं, और उसमें उस समय उन्होंने उसको भर्ती करके आवश्यक उपचार प्रारंभ कर दिया गया था। सूचना मिलने के बाद मैं धौली गया और वहाँ पर जाकर मैंने देखा कि करीब 25-26 पेशेंट हैं जिन्होंने पेट दर्द की और उल्टी की कंप्लेंट दी थी शिकायत। 8 पेशेंट को उस समय हमारे द्वारा आईवी फ्लूड लगाया गया और बचे हुए जो 6 पेशेंट थे वो ऐसा कोई गंभीर नहीं था, उनको आवश्यक उपचार दे दिया गया और उनको भर्ती का बोला गया तो उनके द्वारा इनकार कर दिया गया। और जो कुछ पेशेंट थे 8 पेशेंट उनको फिर रात को ही हमारे द्वारा सिविल अस्पताल से नॉर्मल शिफ्ट कर दिया गया और अगले 3 दिनों के लिए हमारे द्वारा स्वास्थ्य विभाग में उस ग्राम में विजिट के लिए 3 लोगों को आदेशित कर दिया गया। उनके द्वारा लगातार विजिट की जा रही है और आज अभी तक स्थिति सामान्य है, कोई भी नया पेशेंट उल्टी दस्त का नहीं मिला। सर क्या कारण रहा? संभवतः कारण वहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था में मतलब जो ट्यूबवेल है कुछ सूख गए हैं, हैंडपम्प कार्य नहीं कर रहा। 2 कुएं पाए गए हैं जो रात्रिकालीन में हमने वहाँ से पानी का सैंपल भी लिया, उन कुओं से लिया है और वहाँ पर पानी बहुत ही कम मात्रा में उन कुओं में था, वो गंदा पानी था, तो उसी जो संबंधित कलिए के लोग उससे पानी पीने के लिए उपयोग करते रहे हैं, उसी से उल्टी दस्त होना। आप कोई वैकल्पिक व्यवस्था की? वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हमने वहाँ पर जैसे पीएचई डिपार्टमेंट को और तहसीलदार और एसडीएम सबको पता दिया गया और उनके द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था करने